मेरी तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, आपके बीच में काफी लोग आए, वो हमारे अपने ही थे, आपके बीच में से हमारे बीच में से ही उठ के आए वो लोग। उन सभी लोगों ने कुछ अपनी अपनी स्टोरियां शेयर की हैं। मैंने रेंज रोवर लिया, मैंने थार लिया, मैंने जैगुआर लिया, मैंने मर्सिडीज ली, मतलब कम टाइम में दो दो ढाई ढाई साल में तीन तीन साल में एक एक करोड़ रुपए कमाना, 20-20 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए उनका एक एक महीने का आना, देश विदेश की यात्राएं करना, क्या लगता है ऐसी जिंदगी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि वाकई में ऐसी लाइफ होनी चाहिए? दिल से चाहते हो? दिल से चाहते हो ना? तो दोस्त छोटी सी बात उसको समझना पड़ेगा। समझना चाहते हो? बिल्कुल छोटी सी बात है, अगर उसको समझना चाहते हो तो दो शब्द में मैं बताना चाहूंगा। चाहते हो समझना? चाहते हो ना दोस्त? हर आदमी के जबान से एक वर्ड निकला और भले ही उस बात को आपने हल्के में लिया, कैसे समझा मुझे नहीं पता, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे वो नॉर्मल लगते हैं लेकिन उनका पावर जो होता है ना, उनका बहस, उनकी जो ताकत होती है वो बहुत बड़ी पावरफुल होती है। हर आदमी के मुंह से वर्ड निकला, मैं गरीब था, मैं नॉर्मल इंसान था, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, मैं लोअर मिडिल क्लास था, मैंने मजदूरी की, मैंने साइकिल चलाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन आज जो भी हो सिर्फ किसकी वजह से? अपॉर्चुनिटी की वजह से। किसकी वजह से? अपॉर्चुनिटी की वजह से। यानी ये जितने भी लोग आए यहां पे, उन सभी लोगों को AWPL नाम की कोई न कोई इनकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिली, जिसकी वजह से ये लोग आज किसी न किसी कम टाइम में एक अच्छे मुकाम पे हैं। है या नहीं? है या नहीं दोस्त? एक बात को समझना, मैं माफी चाहूंगा, मैं समझाना नहीं चाहता हूं, आप सब समझदार और पढ़े लिखे मैच्योर और बहुत बढ़िया लोग बैठे हैं, मेरा थोड़ा सा तजुर्बा है वो शेयर करना चाहता हूं। यानी दुनिया में काम कोई भी बुरा नहीं होता, होता है क्या? कोई भी काम बुरा नहीं होता, हर काम अच्छा होता है। जो आज हम अपने परिवार के लिए, उनकी जीविका चलाने के लिए जो काम करते हैं, वो सब काम अच्छे होते हैं। क्योंकि दोस्तों ये मैं आज जो रियली में देखता हूं, दीपक जी को, चंदन जी आए थे, वो पूरी स्पीच में बड़े इमोशनल हो रहे थे, काफी लोग आए हैं, उनको मैंने सुना है। दोस्त क्या लगता है आज हम सब मिलकर के, समझना मेरी बात, हम सबको मिलकर के उस ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि आज ऐसे युग में जी रहे हैं कि हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज इतनी अपॉर्चुनिटियां हैं कि इंसान को कोई टेंशन लेने की जरूरत है? ऑप्शन है या नहीं है? ऑप्शन है। थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा, कि आज से अगर हम इमेजिन करें, सोचें, बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी बैठे होंगे, बहुत सारे बुजुर्ग मैच्योर आदमी बैठे होंगे, उनको वक्त याद भी होगा और सुना भी होगा, एक दौर ऐसा था, हमने सुना है कि इंसान सिर्फ खाली अपने पेट, अकेले का पेट भरने के लिए लोगों के घरों में जाके काम करते थे। यस और नो? अकेला आदमी काम करता था, वो दहाड़ी मजदूरी करता था सिर्फ पेट भरने के लिए, दो वक्त की उसको रोटी मिलती थी सुबह और शाम के, पूरे दिन काम करता था और पूरी फैमिली काम पे जाते थे। लेकिन आज से 100 साल पहले, 80 साल पहले, 70 साल पहले लोगों के पास, हमारे बुजुर्गों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी दोस्त। लेकिन आज इतने ऑप्शन हैं कि इंसान चाहे तो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी दोस्त, आज पैसे की मैं बात करूं ना तो एक, कितने ऑप्शन है, ड्राइवर की नौकरी है वो पैसा कमा सकता है, कचरा चुगने वाला, कबाड़ी का काम करने वाला भी पैसा कमाता है, आज हर आदमी इस दुनिया में पैसा कमाता है। तो दोस्त ये सिर्फ आज के दिन जितने अपॉर्चुनिटी है ना, ये क्या है, ये ऑप्शन हमारे लिए। क्यों ऐसा ही मुझे भी मौका मिला था, मैं आपको बता देता हूं, जब मैं बच्चा था, पिताजी बीमार रहते थे, घर का बड़ा था, तो दोस्त मुझे
मजदूरी करने की अपॉर्चुनिटी मिली। क्या बोल सकता हूं उसको, मेरी किस्मत खराब थी क्या? नो, वो किस्मत खराब नहीं थी। उस समय जो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए जो थी, वो मुझे मजदूरी करने का टाइम मौका मिला। फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, मुझे आर्मी में जाने का मौका मिला। मैंने 22.5 के दोस्त, वो भी अपॉर्चुनिटी थे। जिंदगी में जो मौके मिलते हैं वो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन दोस्त आज अगर आज मैं बात करूं, आज इस मुकाम पे हो या इस प्लेटफॉर्म पे हो, पिछले 6.5 साल से मैं यहां पे काम कर रहा हूं और ये अपॉर्चुनिटी मुझे भी 6.5 साल पहले मिले थे। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। देखिए, समझने की बात यह है, अगर कोई 15,000 कमाना चाहता है तो 15,000 की अपॉर्चुनिटी चाहिए उसको। 1,00,000 कमाना चाहता है तो 1,00,000 की अपॉर्चुनिटी चाहिए, और 10,00,000 कमाना चाहता है तो 10,00,000 की अपॉर्चुनिटी चाहिए। दोस्त ये बात समझनी पड़ेगी, अगर 1,00,000 महीना कमाना चाहते हो तो 15,000 की अपॉर्चुनिटी से काम चलने वाला नहीं है, वो आपको 1,00,000 की अपॉर्चुनिटी ही चाहिए। तो दोस्त आर्मी में था, 22.5 साल नौकरी की मैंने, रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट आने के बाद घर में बड़ा था मैं, 2 मकान बनाए थे, हरियाणा का रहने वाला हूं, नसीम खान नाम है, फिर झुंझुनू राजस्थान में मैं रहता हूं। आने के बाद 16.5 लाख रुपए मैं लेके आया था रिटायरमेंट के बाद, 2 मकान बनाए थे मैंने, दोनों छोटे भाइयों को दे दिए। देने के बाद मैंने राजस्थान में शिफ्ट किया झुंझुनू के अंदर। कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं, मौका नहीं, टोटली 10th पास हूं। सोच रहा था कि कोई ना कोई एक अलग से फिर नौकरी करूं। बस उसी दौरान वक्त चलता गया, चलते 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 मेरे मामा जी के साथ मैंने किसी काम की शुरुआत की, वहां भी मुझे 10-15 हजार की एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैं उनके साथ काम करता था। थैंक्स गॉड, मेरे पास लोग धन्यवाद कह करके काम चला देते हैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज से 6.5 साल पहले किसी शख्सियत ने मुझे यह अपॉर्चुनिटी दी दोस्त, जिसका नाम है WPL, और वो कोई और नहीं है, वो कोई और नहीं है। आज बिल्कुल मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, ये जितने भी मेरे भाई और बहन बेटे हैं, दोस्त अगर इतना रुक गए हो तो 1 से 1.5 घंटे का पेशेंस और रख लेना। मैं गारंटी नहीं लेता जिंदगी बदलेगी या नहीं बदलेगी, लेकिन ये भी कोई पता नहीं, अगर सर की बात अगर समझ में आ गई तो जिंदगी बदल भी सकती है, बात समझ लेना, जिंदगी बदल भी सकती है। तो दोस्त आज वही शख्स कुछ देर में आएंगे, और मैं माफी चाहूंगा बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूं, 6.5 साल पहले उनके माध्यम से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं चाहूंगा वो शख्स कोई और नहीं, आज हमारे बीच में और बिहार की धरती पर पहली बार उनका आगमन हुआ है। दोस्त मैं चाहूंगा उनके लिए जबरदस्त ताली, हम सबके महागुरु मिस्टर महिपाल सर। दोस्त उनके माध्यम से अपॉर्चुनिटी मिली, अपॉर्चुनिटी तो बहुत पहले भी मिलती है, दुनिया में मिलती रहेंगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी उन्हीं के लिए है जो उसके काबिल है। छोटे से छोटे जॉब पे रखा जाता है, ड्राइवरी आती है तो आजा 15,000 ले ले, पढ़ाना आता है तो 20,000 रुपए ले ले, कोई भी काम। अपॉर्चुनिटी का मतलब यह है, अपॉर्चुनिटी का मतलब उसी को मिलती है जो उसके काबिल है। अरे हमें तो काबिल नहीं थे उस समय, सर ने आके बताया नसीब खान ऐसे जिंदगी बदल सकती है, आप करोड़ों रुपए महीना कमा सकते हो, सर आता नहीं है। अरे आने जाने से क्या फर्क पड़ता है, आप फैसला लीजिए। दोस्त ज्यादा नहीं, 6.5 साल पहले कुछ नहीं पता था, डिसीजन लिया था, सर ने विश्वास दिलाया था कि आप शुरुआत करिए। दोस्त कुछ नहीं आता था, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया नहीं, उन्होंने हमें सिखाया भी, उस काबिल भी बनाया। और आज सर के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूंगा, 6.5 साल में, ज्यादा तो नहीं बोल सकता, बहुत कम है भी, 13.5 करोड़ को क्रॉस किया भाई, ज्यादा नहीं कमाया, 13.5 करोड़ को क्रॉस किया है, और महीने के आ जाते हैं यही बस 34-35 लाख रुपए, अभी ज्यादा नहीं आ रहे हैं, 34-35 लाख रुपए महीना आ जाता है। और गाड़ियों की तो सब ये बोल रहे हैं कि जगुआर एक थार, तो अभी मेरी बोलने की जरूरत नहीं है, पहली गाड़ी बहुत खुश हुआ था, मेरे आर्मी से एक बाइक ली थी, उसके बाद मेरी जिंदगी की पहली कार जो आई थी वो डिजायर, सिर्फ डिजायर मैंने यहीं से ली थी, और दूसरी गाड़ी भी मैंने यहीं से ली थी,
ऑडी Q3 रेड कलर की बहुत सारे लोग जानते होंगे, 60 लाख रुपए की। फिर आज जो मैं कार मेंटेन करता हूं प्रॉपर 1 करोड़ की है, रेंज रोवर वेलार। दोस्त बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये मौका आपको भी मिला है, ये मौका आपको भी मिला है। बस फर्क इतना है, हमें 6.5 साल पहले मिला था, किसी को 1 साल पहले, किसी को 2 साल पहले। ये आपके फ्रंट में बहुत सारे लोग आए, इनको भी मौका मिला। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं और बहुत खुश हूं आज। क्यों खुश हूं कि जिस दिन मैंने पहले दिन दीपक जी से और गुप्ता जी से दिल्ली में पहली मीटिंग हुई थी और मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने बोला था दीपक जी आऊंगा, मीटिंग करूंगा, तो उस पहली मीटिंग में 30-40 लोग बैठे थे। उसके बाद यह कारवा चलता रहा और एक दिन मैं इस हॉल के अंदर कोई शो करना था, तब मैं आया था और मैंने देखा था और मैंने बोला था वो वक्त दूर नहीं, कुछ ही दिन में इसको भर देंगे हम, कुछ ही दिन में इसको भर देंगे। और दोस्त जब 2 आदमी से 5,000 लोगों का कारवा खड़ा हो सकता है, तो गुरुजी आज इनके सबके बिहाफ पे एक कमिटमेंट करता हो। ये एक सामने मैदान है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, इनके बिहाफ पे गुरुजी अगला जो भरेंगे उसी को भरेंगे हम, अगला जो भरेंगे उसी को भरेंगे। और दोस्त ये हमारा वादा है आपसे, बस डटिए, साथ दीजिए, भरोसा करिए। एक दिन में ना तो कोई इंसान सीखता है ना ही इंसान की जिंदगी बदलती है, सीखने में भी वक्त लगता है और जिंदगी बदलने में भी वक्त लगता है। बस भरोसा करके डटिए, हम आपके साथ हैं बिल्कुल दिल से। और मैं क्या बोलूं, मेरी तरफ से आप लोग इतने पैशन्स फुली बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।